हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं बैटरी से जुड़ी समस्या का एक निदान बताने वाला हूँ और ये निदान क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आइए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यह बैटरी के दो टर्मिनल हैं और दोनों टर्मिनल कितने साफ सुथरे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी बैटरी के टर्मिनल साफ सुथरे हों, उस पर कोई भी प्रकार का जंग ना आए, किसी भी प्रकार का फफूंदी ना आए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसका हम एक देसी जुगाड़ बताएंगे आपको। अगर आप उस जुगाड़ को करेंगे तो आपके भी बैटरी का टर्मिनल सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई भी रस्ट, जंग या किसी भी प्रकार का नुकसानदायक कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी उस पर दिक्कत नहीं आ सकता है। तो मैं आपको जो है कि ये जुगाड़ बताता हूँ। अगर आप जो है कि आपके घर में लगे इन्वर्टर या बैटरी या कार में लगे बैटरी या कहीं भी आप बैटरी लगाए, उसमें क्लैंप व्लैंप कुछ भी किसी भी प्रकार का कसा गया है, तो उसमें टर्मिनलों पे जंग आ जाता है, रस्ट आ जाता है, कुछ जंग टाइप आप देखे होंगे, पाउडर टाइप आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वो जो भी चीज़ होती है वो जो है कि एसिड की वजह से कटने लगता है और जो है कि वह आपका टर्मिनल या किसी भी प्रकार का जो भी उपकरण है वो कट जाता है और आपका टर्मिनल ढीला हो जाता है। इस अवस्था में बैटरी सही तरीके से करंट को प्रवाहित नहीं कर पाती है, तो अनोखी प्रकार की समस्या आ जाती है। इसको हम खत्म करने का यही एक देसी जुगाड़ बता रहे हैं कि आप अगर घर में यूज होने वाले मैकेनिक पार्ट, यानी एक पार्ट है ग्रीस, जो ग्रीस नट बोल्ट बेयरिंग इत्यादि में दिया जाता है, आप टर्मिनल को किसी भी प्रकार से डिटर्जेंट से या किसी भी अन्य चीज़ों से जो है कि टर्मिनल पे लगे जंग को साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद उस पर ग्रीस का लेपन, यानी उसको ग्रीस लगा दीजिए, उस पर ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगाने से क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं ग्रीस स्वयं लगाया हूँ और यहाँ इस टर्मिनल को देखिए और इस टर्मिनल को देखिए, ये आपको टर्मिनल ब्लैक दिख सकते हैं लेकिन इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जंग नहीं है। यहाँ इसमें पास में लोहे का चिमटी लगाया गया है, यहाँ भी चिमटी लगाई गई है चार्जिंग के लिए, चार्जर का चिमटी है, यहाँ भी वायर कसा गया है, यहाँ भी वायर कसा गया है, नट बोल्ट सब कुछ सेफ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेफ है, मैं आपको दिखाया हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का जंग, रस्ट या फफूंदी या पाउडर या चुंगम किसी भी प्रकार का आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि यहाँ मैंने ग्रीस का उपयोग किया है। अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो घर में यूज होने वाले, होठों पे यूज होने वाले वैसलीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इस चीज़ का अगर लेपन करते हैं तो आपकी बैटरी का टर्मिनल एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।